हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल ग्रीन डेकोर। सो टुडे आई एम टू शो माय किचन गार्डन एंड इट्स मेंटेन। सो जो किचन का जो विंडो है, आप उसको वहाँ पे भी बहुत अच्छा से किचन गार्डन ऐड कर सकते हो। सो कभी भी जब आप प्लांटर ऐड करो तो बड़े से शुरू करो, बड़े से छोटे। जैसे दिस इज़ माय ग्लास जार। देखो मनी प्लांट रखा है, मनी प्लांट वाटर में रखा है। देखो सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटे, फिर उसके बाद छोटे हैं। तो अकॉर्डिंग लाइक दिस है, तो एक ही साइज़ में रखोगे ना, साइज़ से डिपेंड करता है, उतना देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। देखो अभी देखो कितना सुंदर लगता है। तो देखो बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटे, फिर छोटे। तो अकॉर्डिंग ऐसे रखोगे ना, देखने में भी अच्छा लगता है। प्लांट्स बहुत घर को आपको बहुत ब्यूटीफुल करता है। तो मनी प्लांट तो है, बहुत इजी टू मेंटेन है, तो आपको घर को बहुत ही सुंदर करते हैं। किचन को आप बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। किचन विंडो में बहुत अच्छा से आप, अगर आपके पास स्पेस है, आप डेकोरेट करो प्लांट से। सो यहाँ पे भी देखो किचन विंडो में ना बाहर से दिखाई देता है। तो आपके पास स्टिकर भी आता है। तो स्टिकर मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि सनलाइट आए। स्टिकर से ना सनलाइट ना थोड़ा सा नहीं आएंगे। तो आप ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हो। कोई भी आप जैसे डिज़ाइन बना के पूरा कवर ना करके ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे भी देखो मैंने स्पेस है तो मैंने मनी प्लांट रख दिया। देखो बड़ा से, फिर छोटा, फिर ये बाउल है, इसमें स्पाइडर प्लांट एंड मनी दोनों मिक्स करके डाल दिया। इजी टू मेंटेन है, 10 to 12 डेज़ में आप थोड़ा सा चेंज कर लो। हैंगिंग में रखो, देखो वर्टिकल स्पेस बना दिया, इसमें भी बहुत अच्छा लगता है। अगर यू हैव ए स्पेस तो डू इट। सो डियर, किचन जो कैबिनेट है, बेस्ट थिंग किचन कैबिनेट के पास, अगर आपके पास स्पेस है ना, आप किचन कैबिनेट के ऊपर भी देखो वाटर प्लांट, मनी प्लांट डाल सकते हो। तो आप ये सोचो कि पानी देने में प्रॉब्लम है नहीं। 12-15 डेज़ तक आप पानी ना रिड्यूस नहीं होते, 15 डेज़ के बाद आप कर सकते हो। एक बार उन सब कुछ इकट्ठे नीचे लेके आके फिर क्लीन कर दो। यहाँ पे भी मैंने देखो टी कॉर्नर में भी मनी प्लांट रखा है। सब वाटर प्लांट हैं। तो जो आपका टी कॉर्नर है वहाँ पे भी आप क्रिएट कर सकते हो। सो डियर, वॉल डेकोर के लिए ना मेरे पास जो शादी के कार्ड होते हैं ना, शादी के कार्ड से ना ये मैंने निकाल दिया। देखो कितना सुंदर है। इसको मैं आपको कोई कलर करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो मेरा घर का कलर है ना, तो वाइट एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन है। तो देखो ये अगर मैं वॉल में अगर मैं डाल दूँगी ना, बहुत अच्छा लगेगा। सो डियर, देखो मैंने इसके पीछे ना डबल टेप लगा दिया। तो यहाँ पे ना वॉल डेकोर मैंने किया था, थोड़ी मतलब पूरा नहीं किया था। तो मैंने सोचा ये लगा के देखते हो कैसा लगता है। थोड़ा ये वाला स्पेस में ना वॉल पे मैंने डेकोरेशन किया नहीं था। देखो कितना अच्छा लग रहा है। एक वन लंबा सा, तो मैंने इसमें ना कलर किया ज़रूरत नहीं है। देखो टेक्सचर बहुत अच्छा है गोल्डन एंड, तो इसलिए मैंने कलर वगैरह किया नहीं, बस कट करके डबल टेप लगा दिया। देखो यार कैसे लग रहे, कमेंट सेक्शन में बताना। इसका पूरा वॉल का मैं डेकोरेशन दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें और भी मैं ऐड करूँगी। देखो कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। सो देयर, देखो मैं यहाँ पे ना पिन लगा दिया, लोहे का जो कील आता है वो। तो जो आपके पास कोस्टर होता है ना, जो जूट का, तो मैं ये यहाँ पे लगाने वाली हूँ। तो मेरे पास पहले से थे। तो ये आपको अमेज़न में भी मिल जाएगा। मैंने वेस्ट साइड से लिया, वेस्ट साइड में मिल जाएगा, सूरजकुंड में मिल जाएगा। तो आई थिंक 6 मिला मुझे 200 में। आई थिंक मुझे प्राइस ठीक से याद नहीं है। तो 200 में शायद मिला, 6 नहीं 12 लिया था हमने, 12 शायद 200 में मिला। चलो देखो कैसे लग रहा है। देखो एक अच्छा सा लुक आ गया। आप जूट से भी बना भी सकते हो, बट मेरे पास थे कोस्टर, तो मैंने सोचा इसको मैं फिर यहाँ से निकाल के भी आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो गोल्डन लुक। सो देयर, देखो मैंने कार्डबोर्ड से DIY किया था। तो देखो आप, देखो मेरा ये वॉल, कैसे लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो ये मेरे पास शादी के कार्ड होता है ना, शादी के कार्ड से मैंने बनाया था। सो डियर देखो यहाँ पे ना मेरे पास कार्डबोर्ड कार्ड वुडन वेस्ट पड़ा हुआ था, तो इसमें मैंने लिख दिया कुछ ये टी वगैरह टी का ऐसे बना दिया एंड मनी प्लांट रख दिया। ऊपर जो कैबिनेट होते हैं ना किचन कैबिनेट के ऊपर रखा हुआ है। देखो ईट मोर ईट डियर, जो दिवाली में जो ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स मिलते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं। देखो इसमें आई थिंक वो भी है और ये शायद शादी का भी है। तो बहुत अच्छा से वुडन बॉक्स मिलता है, तो उसको भी आप प्लांटर बना सकते हो। देखो इसका जो नाम देखो फ्रेंड्स, सही मैंने लिख दिया माय किचन गार्डन। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कॉर्नर साइड में जो है ना किचन कॉर्नर में मैंने रख दिया। तो यहाँ पे आप प्लांट रख दो, मनी प्लांट रख दो वाटर में, और पानी जो है आप RO वाटर यूज़ किया करो। एंड दिस इज़ बैम्बू प्लांट। सो देखो फाइनल लुक कॉर्नर साइड। देखो बास्केट कॉर्नर में बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाइट मेरे पास क्लॉथ था, उसके ऊपर लिखा हुआ है माइंड इज एवरीथिंग। देखो दूर से आपको दिखाते हो कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे मैंने और एक ऐड कर दिया वॉल। किचन को भी आप बहुत अच्छा से क्रिएटिविटी सेंटर बना सकते हो। ऐसा नहीं कि किचन में बस खाना बनाए, किचन में भी बहुत अच्छा से आर्ट आप क्रिएट कर सकते हो। कोई भी आए ना घर पे तो देखे बोले बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है एक्चुअली। सो डियर जो कॉटन का मेरे पास कपड़े थे, रोटी के कपड़े होते हैं ना, तो वो पुराना हो गया तो उसको वॉश करके देखो मैंने इसका हार्ट बनाया माइंड इज एवरीथिंग। Leave me baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, about you hold me like you don't wanna